डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना 10th क्लास के लिए सब्जेक्ट साइंस को। 10th क्लास के लिए साइंस सब्जेक्ट को अब अगर बात किया जाए, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 10th क्लास में जो साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार को पढ़ रहे हैं। तो इसमें निकट दृष्टि दोष को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष। तो टॉपिक्स हम लोग लेंगे दूर दृष्टि दोष, ये हम लोगों को मेन टॉपिक्स है। अब इस दूर दृष्टि दोष को, या फिर एक और नाम से जाना जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है, दूर दृष्टि दोष बोले या फिर दीर्घ दृष्टि दोष बोले, ये दोनों सेमी टॉपिक से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एरो लिखा जाए दूर, दूर या दीर्घ, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष को दूर या दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टिता भी कहते हैं। दूर दृष्टिता भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा। हम लोग दूर दृष्टि दोष या फिर दीर्घ दृष्टि दोष को किस नाम से जानते हैं? दूर दृष्टिता भी कहते हैं। ठीक है, यानी किसी को हम लोग दूर दृष्टिता कहते हैं। किसको? दूर दृष्टि हो या फिर दीर्घ दृष्टि हो, इसी को हम लोग कहते हैं दूर दृष्टिता। ठीक है, अब दूर दृष्टिता तो हम लोग को पता चल गया कि दूर दृष्टिता बोलो आप, या दूर दृष्टि दोष बोलो, या दीर्घ दृष्टि दोष बोलो, यही हम लोग तीनों क्या है, सेम ही है। दूर दृष्टि दोष बोलो, दीर्घ दृष्टि दोष बोलो, या दूर दृष्टिता बोलो, तीनों क्या है, सेम ही है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट एरो देंगे। लिखा जाए दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तु को, परंतु निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। चलिए, आपको हम पिछला ही दिन क्लियर बताए थे कि एक होता है दोस्त निकट दृष्टि दोष, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना। इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु साफ या स्पष्ट देख सकते हैं, देख सकते हैं या दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देता है। ऐसे लिखिएगा, ऐसा नहीं लिखिएगा कि दूर की वस्तु दिखता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट का फ्रेश दिखता है, बिल्कुल साफ साफ नजर आता है, लेकिन दूर की वस्तु जो है साफ नजर नहीं आती है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, साफ नजर नहीं आता है। दूर दृष्टि दोष किसको कहते हैं, तो दूर दृष्टि में दूर की वस्तु जो है स्पष्ट दिख, दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, स्पष्ट दिखाई देता है, दूर की वस्तु को स्पष्ट
देख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग इसमें निकट की वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकते हैं, निकट रखी वस्तु को साफ नहीं देख सकते हैं, साफ दिखाई नहीं देता है। याद रहो उल्टा है दोनों, निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट फ्रेश दिखाई देता है, दूर की वस्तु फ्रेश दिखाई नहीं देता है। ऐसा नहीं लिखिएगा कि दिखता ही नहीं है, आंधर हो थोड़े ना है, फ्रेश नहीं दिखता है। क्लियर। दूरदृष्टि दोष, दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, इसको कहते हैं दूरदृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट एरो। दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर से दूर हटाना चाहिए, सॉरी 25 सेंटीमीटर से दूर हटाना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर से दूर हटाना पड़ेगा। देख लो इसका एक और मैकेनिज्म है कि जिसको मान लिया कि दीर्घ दृष्टि दोष हुआ रहेगा ना, दीर्घ दृष्टि दोष, वो क्या करेगा कि अगर मान लिया कि मानव नेत्र जो है यहाँ है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये निकलता है कि अगर मान लिया कि कोई दीर्घ दृष्टि दोष से कोई पीड़ित व्यक्ति है, तो उसको सुस्पष्ट, जैसे मान लिया कि पेपर वगैरह कोई पढ़ता है तो अपने आंख से बहुत दूर ले जाके, अक्सर ये जो रोग है दीर्घ दृष्टि दोष जो है वो अक्सर जो है उन लोगों में प्रॉब्लम होता है जिनकी एजेज 25, 30, 35 के उम्र के हैं, वो लोगों को दूर दृष्टि दोष होता है। वो लोग में क्या होता है ना कि जब भी बूढ़े लोगों को देखते होंगे पेपर पढ़ते हुए तो बहुत आंख से दूर ऐसे करके पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब कि उनको निकट की वस्तु को तो साफ, दूर की वस्तु को साफ देखते हैं लेकिन निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाते हैं, इसलिए पेपर को कहाँ करेंगे, आंख से बहुत दूर करेंगे, ठीक है। तो इन लोगों को दूर की प्रॉब्लम होती है, दूर की स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि दीर्घ दृष्टि दोष का पहचान वाला व्यक्ति आपको ऐसे ही पहचान में आ जाएगा, क्योंकि जब भी वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, जब भी कोई किताब पढ़ता है तो आंख से बहुत दूर, हाथ को बहुत दूर ले जाता है, तब उसको दिखाई देता है। ऐसा आप देखे होंगे कि चेयर पे बैठ के और आपके दादाजी अगर बहुत दूर ले जाकर पेपर अगर पढ़ते हैं, आंख से बहुत ज्यादा दूर, हाथ को और बिल्कुल फैला देते हैं आगे तक, तो आप समझिए कि उनको लगा और उनको एक प्रॉब्लम है, दृष्टि दोष हुआ है और दृष्टि दोष में दूर की दृष्टि को प्रॉब्लम है, इसलिए वो 25 सेंटीमीटर से दूर ले जाते हैं। हम लोगों को न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर पर दिखना चाहिए लेकिन वो 25 सेंटीमीटर में नहीं दिखता, उनको 28 दिखेगा, 30 दिखेगा, 30 के नीचे नहीं दिखेगा, तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये निकला कि अगर कोई दीर्घ दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो उसको क्या प्रॉब्लम होगा, उसको यही प्रॉब्लम होगा कि दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखेगा, निकट की वस्तु में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण हैं। दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का अधिक हो जाना,
अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का अत्यधिक हो जाना। दूसरा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। दूसरा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। याद रखिएगा, अब कोई पूछेगा कि आखिर दीर्घ दृष्टि दोष मानव नेत्र में होता क्यों है, इसका कारण क्या है। जो मानव नेत्र में दीर्घ दृष्टि दोष होता है, तो आखिर दीर्घ दृष्टि दोष होता है तो किस कारण से होता है। ठीक है, तो इसके लिए दो कारण है दोस्तों। पहला, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना, वक्रता त्रिज्या क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और दूसरा कि नेत्र गोलक जो है लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। बिल्कुल दोनों याद रख लीजिएगा। अभिनेत्र लेंस का मतलब कौन सा लेंस, जो हम लोगों के आंख में लगा रहता है, गॉड गिफ्टेड लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, तो उस लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है और नेत्र गोलक क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो यही दो कारण अगर हमारे नेत्र में हो जाता है, और ये एज के अकॉर्डिंग होता है, एज अगर बढ़ रहा है तो आपके आंख में धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आने लगती है, तब इसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, सॉरी, इसमें एक प्रॉब्लम है हम लोगों का, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अभिनेत्र लेंस की यहाँ पे वक्रता त्रिज्या नहीं होता है, फोकस होता है, याद रख लीजिएगा। ये हम लोग निकट दृष्टि वाला दोष वाला लिखवा दिए, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो कारण लिखवाएं वो दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, गलती हुआ। जो अभी हम लोग कारण लिखवाए ना, ये निकट दृष्टि दोष का था, तो अभी हम लोग दूर दृष्टि दोष पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे। आप पहला में लिखिएगा, फिर से मिला लीजिएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, यहाँ पे फोकस दूरी अधिक हो जाती है, और निकट वाला में हम लोग पढ़े थे वक्रता त्रिज्या, तो याद नहीं था, हमको लगा कि निकट नहीं है, तो हम लोग तो पढ़ रहे दूर दृष्टि दोष, तो यहाँ पे सुधार कर लीजिए। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, और नेत्र गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। लंबा तो निकट दृष्टि दोष में होता है, इसलिए अभी जो हम लोग यहाँ पे लिखे थे वो मिस्टेक था, आप सुधार कर लीजिए। दूर दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है और नेत्र गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों को ये चीजें आनी चाहिए, और कारण भी स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है और दीर्घ दृष्टि दोष का क्या कारण है। अब रहा बात कि अगर मान लिया कि किसी को दीर्घ दृष्टि दोष हो जाए, तो इसका उपचार क्या है, ये ठीक कैसे होगा, सबसे बड़ी बात। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग निकट दृष्टि दोष में पढ़े थे कि जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उस व्यक्ति को एक लेंस लगाना चाहिए, एक चश्मा यूज करना चाहिए, एक चश्मा प्रयोग करना चाहिए, उसका नाम है अवतल लेंस। यानी कि निकट दृष्टि दोष का उपचार है, एक ही गो उपचार है, आप जो है चश्मा लगाइए, और चश्मा कौन सा लेंस का होना चाहिए, अवतल लेंस का। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, इसमें भी आपका उपचार के रूप में इसको ठीक करने के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, और उस चश्मा का नाम है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो लिखा जाए नेक्स्ट एरो में कि दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार हेतु, दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार हेतु पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस का व्यवहार करना चाहिए, उत्तल लेंस का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो अब पक्का हुआ दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है,
किसको कहते हैं? तो दीर्घ दृष्टि दोष उसे कहते हैं जो दूर की स्पष्ट देख सकता है, दूर की वस्तु को साफ देखता है, निकट की वस्तु को साफ नहीं देखता है। दूसरा कि दीर्घ दृष्टि जो दोष में पहचान क्या है कि कोई भी अगर व्यक्ति अपने से आंख से बहुत दूर पेपर को ले जाके पढ़ता है, समझिए उसको दीर्घ दृष्टि दोष हुआ है। दीर्घ दृष्टि दोष होने का कैसे कारण होता है, कैसे होता है? तो इसका दो गो कारण है कि अगर लेंस का फोकस दूरी अगर अधिक हो जाए तब पर भी एक दीर्घ दृष्टि दोष नामक बीमारी होता है, और अगर नेत्र गोलक छोटा हो जाता है तब पर भी हम लोगों को दीर्घ दृष्टि दोष की बीमारी हो जाती है। अब इसको भी ठीक करने के लिए, जैसा कि आपको पता है, निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा यूज करना चाहिए, उसी तरीके से दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा यूज करना चाहिए। तो आपको डाउट क्लियर हुआ? तो दोस्त, आज हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष को पढ़कर क्लियर कर लिए। अब एक और दृष्टि दोष बचा हुआ है आंख में, जो हम लोगों को जनरली होता है, जिसका नाम है जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष क्या है उसके बारे में हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।